शहर बचाया जा सकता है कि सूरतेहाल पे काबू पाया जा सकता है, घर से बाहर जाना हो मकसूद अगर तो फिर मुंह पर मास्क चढ़ाया जा सकता है। भाई एहतियात है बहुत जरूरी। लो भिरा रहे वासे चौधरी। हमारे देखने और चाहने वालों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर? A1 एयर कंडीशन। अच्छा जी। बहुत जहीन आदमी। अच्छा। मोटरसाइकिल पे जा रहे स्पीडो स्पीड। अच्छा। ठाव करके गिरे हैं तो सर फट गया। अच्छा। करीबी दुपट्टे की दुकान थी, उन्हें जाके पान पी के कर दे। पाकिस्तान हर जगह ही अपनी गायकी के झंडे गाड़ चुके हुए हैं जनाब अमानत अली। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल अरूबा इमरान भट्ट। वेलकम टू द शो जी। आज बड़ा ही लकी डे है कि मेरे फेवरेट सिंगर अमानत भाई आए हैं और एक बहुत ही खूबसूरत मैं शेर लेके आया हूं जी अरूबा जी के लिए। की यूटर ले आए। आंखों में नहीं आंसू, मुश्किल है बहुत जीना। आंखों में नहीं आंसू, मुश्किल है बहुत जीना। क्वारंटाइन में आंखों को शबनम से भिगोना है। इस ऐद में हम लोगों का बस एक ही रोना है, वो खांसे तो खांसी, हम खांसे तो करोना है। खुद नू छोटा कदी भी नहीं करना। सिर रवे ते पग ना रवे सिर ते, इंज दा सौदा कदी भी नहीं करना। अगर तू पानी है तो मैं आग हूँ। अरे वाह। अगर तू टहनी है तो मैं शाख हूँ। मुझसे बंगड़ी छुपाने वाली बेवफा लड़की, याद रखना मैं भी 3 बच्चों का बाप हूँ। क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक ठाक सर, आप सुनाए खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक। तो यानी कि ये जूते आपके हैं? नहीं, लेदर के। इनकी मलकियत तो साबित हुई। नहीं, ये मैंने नहीं पहने अभी तक। अच्छा, वो साथ ही जो नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका था उससे कहा कि मेरे आज तो आना सी ना, मानत ने नवे कपड़े लेने सारे ते ओने पा लेने। आवाज क्या आपको ये इल्म है, आपके जाने बगैर आपके कितने ही कपड़े जो थे वो रोज ये पहन के निकल आते हैं? नहीं, जाने बगैर भी और जानने के बावजूद भी। अच्छा। हमारी हम शेयर करते हैं कपड़े। नहीं, वो मुझे अंदाजा था। हाँ। मगर आपको क्या पता था कि कहाँ कहाँ इन्होंने सब तो पहन लिया इसने। और ऑन का मैं फैशन डिजाइनर भी हूँ। अच्छा जी। ओए होए होए। एक दिन उन्होंने मन्नी नहीं थे पार्टियां शराबा पाया, उसने मन्नी ये बताए। अमानत, कैसा लगता है आपको यहाँ पे देख के अपने भाई को और इनकी सिंगिंग? ये बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र की बात है माशाल्लाह। और इसका हमें पता था कि ये कहीं ना कहीं पहुँचेगा ज़िंदगी। आपको क्या ये पता था कि ये इधर पहुँच जाएगा? आपके पास पहुँचेगा, मेरे पास पहुँचेगा। अच्छा, अच्छे लोगों के पास पहुँचना चाहिए ना। अच्छा, सुकून रहता है दिल्ली। माशाल्लाह, आप भी सिंगर हैं, ये भी सिंगर हैं, वालिद साहब भी आपके मौसीकी से ताल्लुक है, तो कॉन्वर्सेशन क्या होती होगी खाने की टेबल पे? सर, साढ़े घर च मजाक भी म्यूजिक थी हुंदा। अच्छा। तो सीरियस गल भी म्यूजिक दी, बिकॉज हर रूम में अब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं। और अभी आजकल तो मैं स्टूडियो भी घर पे लेके आया हूँ, तो सारा इक्विपमेंट भी घर पे पड़ा हुआ है। तो खाने के बाद भी म्यूजिक, खाने से पहले म्यूजिक, सोने से पहले म्यूजिक, उठने के बाद म्यूजिक। आपके तो यानी कि मतलब घर में बेतहाशा वो जो होता है जिसे हम कहते हैं बाथरूम सिंगर, तो आप लोगों को तो हर कमरे में से गाने की आवाज आ रही होती होगी। इधर से ये गा रहा है, उधर से आप गा रहे हैं, कोई ऐसा होता है कि तू चुप कर? मैं जड़े सुरीले नहीं होते, वो बाथरूम सिंगर होते हैं, ये सारे सुरीले हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कमरे में गाते होंगे। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है तुम गुनगुनाना बंद करो भाई? होता ये है कि जब बड़े बैठे हों, मतलब हम इनके सामने नहीं गुनगुनाते गाते,
अच्छा इसको अदबन इज्जतन जब पापा होते हैं या ताया जी होते हैं तो ये नहीं गाते यार असि तेरे बड़े हैं तू साडे सामने क्यों गा रहा मतलब ये फैसिलिटी सिर्फ उनको क्यों हासिल है हमें बताएं नहीं नहीं ये गाने के लिहाज से बात हो रही है नहीं तो मैं गाने थोड़ा सा अगर होस्टिंग की बात होगी वो मैं आपके सामने नहीं करूंगा अच्छा जुगत की गल होगी मैं तुम्हारे सामने नहीं करूंगा चली बरा कर बैठा हूं साडे सामने नहीं करूंगा इसका ये है ना किसी भी फील्ड में आप जाएं आपके जब सीनियर्स आपके सामने हों तो थोड़ा सा नर्वसनेस भी हो जाती है और थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट फैक्टर भी है कि आप उस तरह से खुल के अपना बेस्ट नहीं दे पाते ठीक तो इसलिए इस वजह से वैसे घर पे क्या शर्मिला है या नहीं शर्मिला तो ये कभी भी नहीं था अच्छा ओ क्या नहीं मैनू मटीरियल आज मिल रहा अच्छा मैं कल कह रहा मैं बेटा मैं शो ते आ रहा तू तैयार रहना उम्र में कितना फर्क है पांच साल में बड़ा पांच साल बड़े हैं और आपने डांटे वगैरह तो खाई होंगी इनसे बहुत बिल्कुल मैं मानत ना बदतमीजी भी नहीं कर सकता क्यों अपने बूट मंग लेने जी तो रूबा ये बताएं कि आपने शो देखा हुआ है जी सो यू हैव एन आइडिया यस एंड व्हाट्स दैट आइडिया लाइक इट्स फनी ओके एंड व्हाट्स फनी थ्री थिंग्स दे आर फनी ये लोग फनी हैं ठीक है और उसके अलावा बस ये तीनों फनी हैं ये तीनों बस फनी है और उसके अलावा क्या पॉलिटिशियंस के बारे में आप बातें कर रहे हो पॉलिटिशियंस के बारे में हम बातें करते हैं नहीं उनकी बारे में सवाल नहीं सवालात पूछते आए थे वो बातें नहीं होती वो चुगलियां होती हैं चुगलियां ही सही यू हैव एन आईडिया के जो इसमें यू नो आपस में गुफ्तगू होती है हमारी सो यू हैव कंपैरेटिवली आपको पता है कि वो क्या होता है शोज में से कोई एक बात इनकी किसी की याद है हाँ कि वो लड़कियों को बहुत पसंद करते हैं नहीं मतलब उनको कमेंट्स करते हैं ये आपको पूरे शो में से लुबे लुबा भेजा कि लड़कियों को बहुत लेकिन आज मेरा मिशन है कि आपका रिश्ता देखें मुझे ये बताएं कि आपने थिएटर फिल्म एंड टेलीविजन पढ़ा यस तो मॉडलिंग क्यों कर रही हैं व्हाई नॉट एक्टिंग एक बार मैं डायरेक्शन पढ़ रही हूँ ना एक्चुअली मैं डायरेक्टर बनना चाहती थी अच्छा अभी भी किसको डायरेक्ट करना चाहती कोई एक्टर्स हैं आपके फेवरेट दैट यू वुड लाइक टू डायरेक्ट माहिरा खान माहिरा खान ठीक है शी इज माय फेवरेट ओके उनके अलावा कोई और उनके साथ भी तो कुछ चाहिए होगा हमजा अली अब्बासी और माहिरा खान के साथ क्या फिल्म करना चाहती हैं ड्रामा फिल्म ओए होए हमजा अब्बासी और माहिरा खान अगर आप सुन रहे हो तो उनके साथ आप फिल्म करना चाहती हैं डायरेक्ट लाइक रोमांटिक फिल्म ओह हमजा अब्बासी अब ये थोड़ा मुश्किल है मगर चलें वेलकम बैक टू मुज़ाकरात अरूबा जी ये बताएं पाकिस्तानी फिल्में आप देखती भी हैं देखी हुई हैं कौन सी तीफा इन ट्रबल अली जफर की जो फिल्म थी अली जफर की ठीक है और उसके अलावा उसके अलावा भी काफी देखे नाम नहीं याद इतनी तो फिल्में हैं ही नहीं कि आपको नाम ही ना याद लोड वेडिंग देखी आपने तू बेचारा लोड वेडिंग लाया गया आपने देखी है लोड वेडिंग नहीं नहीं आपने देखी वो जवानी फिर नहीं आनी जवानी फिर नहीं आनी वो हुमायूं वाली आपने उनका ड्रामा देखा मेरे पास तुम हो देखा है सही था मैम लेकिन बहुत ज्यादा इमोशनल था होता है रियल लाइफ में अच्छा ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता ये आपको इशू था उससे हाँ रियल लाइफ में कहाँ तक होता है लाइक मर जाता है किसी के इश्क में है ना ये बातें बनी हुई है बिल्कुल सही बात है एक प्रैक्टिकल बात कर रही है ये जो तो रोमांटिक फिल्म में तो बड़ा ही इस तरह की चीजें होती है मरना गाने होती है, लेकिन वो लाइक फन और रोमांटिक होगा ना कि एंड पे मिल जाएंगे शादी हो जाएगी बच्चे हो जाएंगे वाओ लाइक और इसमें लाइक वो ये क्या हुआ कि वापस आ मिले बच्चा था तलाक हो गई मर गया वाओ क्या इशू क्या था कि हम आखिर में जो हुमायूं सईद का कैरेक्टर था मर गया उससे आपको इशू हुआ हां कि अब वो वापस आ तो गई है तो बंदा माफ कर देता है अब क्या ही मसला है सही गल क्या बात हां वैसे सही गल खलील रहमान कमर साहब वापस आ तो गई थी क्या था आपको आप उसको डायरेक्ट करती तो आप क्या एंड करती ड्रामे का एंड में अगर तो महविश का करेक्टर वाली साइड से सोचा जाए तो मैं पैचअप करा देती एंड पे दोनों को लाइक नहीं मगर आप कौन से एंगल से सोचती कहानी को वो जो दूसरी बंदी आई थी ना बीच में वो जो हीरा मानी दोनों की आपस में करा देती और महविश का लाइक बदला हो जाता और सब खुश हीरा मानी के कैरेक्टर के हीरा मानी की आप करा देती शादी किससे हुमायूं से हुमायूं सईद से ठीक है और उसके बाद आयशा खान का क्या होता उसके साथ लाइक धोखे की वजह से सजा मिल जाती है आयशा खान को सजा ही मिलती रहती और अदनान सदीकी भी है यस सॉरी यस यस अदनान सदीकी ने शहवार और मैं नहीं रोल किया अदनान सदीकी भी थे जी उनका एक
अदनान सिद्दीकी को उनकी बीवी के हवाले कर देते और अगर बुरा तो उसको उसकी बीवी के पास छोड़ दो, तो वो उसको अच्छे से ट्रीट करी थी ना, पूछ के सीधे रहो, ये करो वो करो, तो वो संभाल रही थी उसको। आयजा खान को तो वो उसने आगे लगाया हुआ था, तो आयजा खान बेचारी आखिर में अकेली रह जाए, उनके लिए नया करेक्टर डाल लेते, अब क्या होता। मैं हम की कैम रिशा नु बुला लेने सी, डोनाल्ड ट्रंप ला लेने, किन नु बुला लेने, नंबर नया करेक्टर की करना देते, उनके लिए हम आपको डाल देते। ओए होए, जब मैं आपका नहीं हो सका तो उसका कैसे होगा। मगर ये भी एक पर्सपेक्टिव है, पाकिस्तानी डायरेक्टर्स आपके को पसंद के हैं? पाकिस्तानी डायरेक्टर्स होते हैं कभी कभी। कौन? काफी हैं, नाम नहीं याद आ रहे। उनका कोई काम याद हो आप? मैं आपको नाम बता दूं, जैसे कि अब वो मूवी थी बालू माही हाइसम हुसैन जी, उसके डायरेक्टर थे, ठीक है, वो अच्छे हैं। हाइसम हुसैन साहब आप निकले हैं बीच में से, और परे हट लव आसिम रजा। अच्छा नहीं, वो नहीं, आसिम रजा का नाम लगाया हुआ था उन्होंने फिल्म के पोस्टर पे, पता नहीं क्यों, लेकिन वो आसिम रजा ने सही डायरेक्शन की थी। यस, ठीक है। तो दो हमारे पास आदमी निकले हैं अभी तक, एक आसिम रजा हैं और एक हाइसम हुसैन हैं, जो डायरेक्शन कर सकते हैं बहुत नहीं अच्छी कर सकते हैं, ये अच्छी कर सकते हैं। तीफा एंड ट्रबल आपने देखी हुई है, उसके डायरेक्शन में मसले थे या ठीक था डायरेक्टर, ये क्या था? ठीक है, ठीक था। एहसन रहीम साहब ठीक है, एवरेज। हाँ, आपसे नहीं पूछ रहा, आपसे बाद में पूछूंगा मैं। उनकी दिल से बता रहा हूँ। अच्छा, तो एहसन रहीम ठीक थे। ये तीन लोग हैं, और कोई नाम आपको याद, अगर कोई फिल्म याद आ रही हो कोई? नहीं नहीं, बस बात यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो आसिम रजा, हाइसम हुसैन और एहसन रहीम ठीक था। आप लोगों को मुबारक हो, आप तीन निकले हैं हमारे पास नाम। आप जरा अपने सिंगरों का बताएं ना, कौन से नए गाने सुन रहे हैं आप? और सुनाओ। क्यों भाई, बताइए, आप सिंगर हैं। ये कौन सा गाना है? हाँ, ये और अच्छा, सुनाओ। सुना ये आपने? नहीं। 70 मिलियन व्यूज हो गए, आपने यूट्यूब पे देखना है, और सुनाओ। जैसे बताएं ना, कौन सा सिंगर आपको पसंद है आजकल के, या जो आजकल चल रहे हैं? किसी भी पुराने वाले लेजेंड्स के नाम नहीं बताने, आजकल के जरा बताएं ना। आजकल साहिर अली बग्गा जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा। साहिर अली बग्गा सिंगर के तौर पे आपको पसंद है? उनके अलावा आजकल नबील शौकत बड़ा अच्छा गाते हैं। साहिर अली बग्गा और नबील शौकत के अलावा कितने बताने, आप ये बता दें। कोई आप बताए ना, कुछ जो आप नंबर दसो ना, ताकि मैं पांच गिनवा दो। पांच गिनवा था। सज्जाद अली साहब, फिर आप चले गए ना पुराने। आजकल तो चल रहे हैं ना सज्जाद अली साहब, तो भाई एवरग्रीन है उनका नाम ना। नहीं, आप मुझे, आप अपनी एज के इर्द गिर्द रहे। अच्छा, पांच अच्छे सिंगर पाकिस्तान के जो आपको लगते हैं, फिर पांच बुरे नहीं होने। What are you? You know, I am very disheartened today. Why? Last 20 hours, I was in police custody. How come? Mainu kise ne ke nave notan da business is a very good for you. Okay. Main utthon naviyan chhabiyan le aaya. Ode vich do jali mainu unhan ne de ditiya. Oye hoye. Police ne mainu phad liya. थाने लै गए ने, उथे जाके ते तार दे उते ना मेरियां लत्तां बन के मैनू पुठा लटका के ते चपेरा कसुन्ने थुडे, एक सिपाही ने मैनू टक्कर भी मारी है। मैं कह, तुसी मैनू तार नाल क्यों टंगे है? कहंदे ने तेरे नोटां च तार नहीं हैगी, ते तेनू दस्या भी तार दी की अहमियत होंदी। ਜਦੋਂ ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਟੰਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਖੱਲ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੀਕਾ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖੱਲ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 13,000 ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਬਾਨਤ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸ, ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਸੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ? ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਇਮਰਾਨ ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ
पॉलिटिशियन नहीं, सिंगर हैं। यस, यंग पार्लियामेंटेरियन नहीं है, ये सिर्फ सिंगर है। सिर्फ मैं किधर देखा है टीवी पे तकरीर करते हैं, तकरीर नहीं गाना गाते देखा होगा। ओह यस, दिस इज अ सिंगर फ्रॉम फैसलाबाद। यस यस, आई वेंट टू द फैसलाबाद। ओ ते गुलूकारा दा समझो यूनाइटेड स्टेट है। गंदा बन शिकिद बना लो, मैं तुम्हें क्लासिकल सिखावांगा। यस मैं तुम्हें सुनावा जी सर। दिल लगी मैं ऐसे दिल को लगी के दिल खो गया, पगला दीवाना ये दिन हो गया, ये दिल हो गया। दिल लगी मैं ऐसे दिल, ये जोर ज्यादा लगता है, घट जोर लगा, घट जोर लगाओ तो घट पैसे दें देने ना। मगर पैसे तो कोई नहीं मिले। नहीं नहीं देंगे। अच्छा, पैसे किस लिए रखी है ये? एदा एटीएम है। मैं रखी, मैं क्या वापसी का किराया बाजी तुम्हारे को नहीं पैसे तो आड़ी कितने गड्डी पे मैं देखिया पर साइन करके बस ठीक है मैं ले लांगा 10,000। आजकल तो महंगा कुछ नहीं। जरा मास्क थे मैंने जरूरी, ये आपकी नजर है? पहले भी मैंने दो बार ही नजर लगी है। ठीक है, ये फैसला बात है जी सर। तो आडे की लग देने इनके भाई हैं नफरत दे के मुझे प्यार दिया जाएगा, भूत सर से मेरे उतार दिया जाएगा, हर शहर में वो बनाने लगे लंगर खाने, हम समझते थे रोजगार दिया जाएगा, काम घर के लिए जाएंगे जिसमें सारा दिन, 6 दिनों बाद वो इतवार दिया जाएगा। खान साहब ने अज मैं 3 फोन किए ने। अच्छा, मैं कहने कम टू द इस्लामाबाद त्रिगड़ा मतलब कहते आ जा, पहुंच गया बनी गल। कहने भी आलमी बैंक की तरफ से मैसेज आया है, सियासत के अलावा सियासत में भी अपना इमदाद करना चाहते हैं। अच्छा, कुछ मदद करना चाहते हैं, तो जब वो आएंगे तो उनको क्या दिखाएंगे? मैं फिर तिड़ गया उठे, मैं फिर उसे की थी तकरीर। मैं क्या सर, हम हरे भरे बागात दिखाएंगे, लहलाती फसलें दिखाएंगे, हाय हाय, हम उनको खजूरों के दरख्त दिखाएंगे, हम जहांगीर तरीन साहब के आंबों के पेड़ दिखाएंगे। तो कहते ने एक मिनट ठहर जा, साढ़े तलकात खराब हो गए, पता नहीं वो वर्ण भी देंदा कि नहीं। कहने भाई इसको किसी और तरीके से करो। मैं कह सर हम उनको अपनी 5-6 कमेटियों की रिपोर्टें दिखाएंगे। मैंने कहने इधर ते भी रुक जा, क्योंकि वो रिपोर्टें तो मैंने नहीं दिखाते थे, उन्होंने कितों दिखाऊंगे। उन्होंने फिर मैंने कहा कि बुजदार साहब ने बह के मशवरा करो। तो यार आप मशवरा करें, आप इधर किधर आ गए? मैं क्या फिर तो मिल के हल्का जहा मशवरा करा। मैं एक्चुअली अभी शो के दरमियान में, मेरे पास बड़े यंग गेस्ट आए हुए हैं आज। अमानत चंद साहब, अगर मैं किसी का फैन हुआ, अमानत अली यादव में कमाल फनकार अल्लाह ने सानू देते ने, अमानत चंद साहब ते अमानत अली साहब, दसो की खाने ने दियो पैसे। नहीं मैं क्या उन्होंने पसंद की चीज लियावा ना, पैसे नहीं मांगते, फास्ट फूड खाते ना तो जरा महंगा होता है, पैसे नहीं मांगते मेहमानों से। अच्छा आई एम सॉरी जी, अपना कुछ खाना पीना तो नहीं ना, जान बच गई ते भाभी वास्ते की लिया दसो। रो इजाजत है, पता कि बड़े दिन हो गए ने थोड़े ने मैं बनाई नहीं, क्योंकि रात को मैं सोने तो पहले 4 फोटो डिलीट करने होते हैं। तो आप सिंगिंग के अलावा कोई इंस्ट्रूमेंट से बजा लेते हैं? जी मैं 10 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेता हूँ। 10 से ज़्यादा? ये 10 कौन सी हैं भाई? जो बेसिक मैंने सीखी हैं सबसे पहले बचपन से ही, तबला और ढोलक और हारमोनियम, और उसके बाद अब मेरा अपना स्टूडियो भी है तो इसलिए मैं एज अ म्यूजिक अरेंजर भी काम कर रहा हूँ, तो उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना होते हैं। अच्छा, वो चाहे अकूस्टिक हूँ चाहे आपको, यानी कि आप टोटली अकेले कॉन्सर्ट कर सकते हैं बगैर म्यूजिशियंस के भी? अपना कॉन्सर्ट रिकॉर्ड करके परफॉर्म कर सकता हूँ। अच्छा, और अभी आपने कोई इंटरनेशनली भी किसी के साथ सुना कोलैबोरेट किया है? हाँ जी, एक्सेंट बैंड जो बहुत बड़ा इंटरनेशनल बैंड है, उनके साथ अभी मेरी
एक गाना है जो हमने न्यूयॉर्क में शूट किया है, ओए हो, तो बड़ा अच्छा उसका रिस्पांस रहा है और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है, बिकॉज कोलैबोरेटिवली काम करने में एक बड़ा फ़ख्र भी महसूस होता है कि हम अपने मुल्क का नाम एक इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई नीड यू मोर गाने का नाम था, जिसमें मेरे उर्दू पार्ट्स थे और उनके इंग्लिश। आई नीड यू मोर। अगर वो वेलकम बैक टू करते हैं, आपसे सवाल पूछूंगा, सात ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से अपना जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रही हैं, नहीं देना चाह रहे, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। दैट्स योर कॉल। तो कौन आप में से पहले खेलना चाहेगा? अमानत, उन्होंने कहा है आपको कोई इतराज तो नहीं? अच्छा, आज लेडीज फर्स्ट? नहीं नहीं, नहीं लेडीज नहीं कहा। तो ये बताइए अमानत साहब, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रहे हैं, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत किल करने के लिए आप किसको करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोमना मुस्तहसन और आयमा बेग। आयमा बेग को कॉल करना चाहते हैं, मोमना मुस्तहसन को नहीं। एक लिफ्ट पेंटर हुए हैं, तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को कर्टसी में आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं जनाब आसिम अजहर, जनाब दानियाल जफर और जनाब फरहान सईद भट्ट। तो सबसे पहले आपने सेल्फी बताएं किसके साथ लेंगे? सेल्फी में लूंगा आसिम। आसिम अजहर के साथ सेल्फी होगी, स्माइल किसको दे रहे हैं? स्माइल दानियाल। दानियाल जफर, और किसको कहेंगे कि आपका फ्लोर आ गया है? फरहान। फरहान सईद भट्ट साहब, आपको कहा जाएगा कि आपका फ्लोर आ गया है। ये बताइए, टाइटैनिक पर जाने का वक्त है, दो वीआईपी पास आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात और माहिरा खान। टाइटैनिक डूबना भी? पता नहीं जी। महविश हयात और माहिरा खान। माहिरा खान, ठीक है। किस हीरो के लिए एक साल के अंदर अंदर प्लेबैक सिंगिंग करना चाहेंगे, किसके लिए दो साल के अंदर अंदर, और किसके लिए एक ना भी करें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, हुमायूं सईद और अली जफर। तो किसके लिए एक साल में करना चाहेंगे? एक साल के अंदर अंदर अली जफर। अली जफर के लिए। दो साल के अंदर अंदर किसके लिए प्लेबैक सिंगिंग करना चाहते हैं? हुमायूं। और किसके लिए ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ेगा? फवाद खान। फवाद खान साहब के लिए, ठीक है। ये बताइए, गाड़ी में जा रहे हैं, चार सीटें हैं बाकी, चार लोगों को देनी है लिफ्ट, कौन होंगे वो चार लोग? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं साहिर अली बग्गा, सजाद अली, शफकत अमानत अली, राहत फतेह अली खान और आतिफ असलम। ये तो बड़ी मुश्किल में डाल दिया। जनरल नॉलेज का ऑप्शन आपके पास हमेशा मौजूद है, जनरल नॉलेज। तो ये बताइए, कैसा सवाल आपसे पूछा जाए? कोई मौसीकी से रिलेटेड पूछ लें। मौसीकी से रिलेटेड पूछूं, पाकिस्तान की पहली रिलीज फिल्म का म्यूजिक किस म्यूजिक डायरेक्टर ने किया था? आराम आया, स्विच कर लो। ठीक है, तो किस किस को लिफ्ट देना चाहेंगे? बग्गा भाई। एक, बग्गा साहब सबसे पहले आए हैं। राहत भाई। दो, शफकत भाई। तीन, आखिरी सीट रह गई और दो बंदे रह गए, सजाद अली साहब और अली जफर में। चौथी सीट दो अली। मसला में गेम फंसी हुई है। चौथी सीट दो अली है। नहीं जी, एक अली है। हाँ, साथ में। बड़ा आसान है वैसे, मैं आपकी जगह होता तो बड़ा आसान जवाब दे सकता था। सजाद भाई को मैं लिफ्ट दूंगा। सजाद भाई को दे दी है और मैं ड्राइविंग सीट अपनी छोड़ के वहां आपने छोड़ दे, आपने छोड़ दिया है। राहत फतेह अली खान साहब, सजाद अली साहब, शफकत अमानत अली साहब और साहिर अली बग्गा को लिफ्ट दी गई है। आतिफ असलम साहब, आपको गाड़ी से बाहर रखा है। ड्राइविंग सीट छोड़ दी है, क्या बात कर रहे हैं? आपने छोड़ी है, वो रह गई। सर, डूबती कश्ती में सवार, दो लाइफ जैकेट आपके पास है, एक आपकी अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली जफर, आतिफ असलम और साहिर अली बग्गा। बग्गा भाई। बग्गा साहब, साहिर अली बग्गा साहब, आप ले गए हैं लाइफ जैकेट, वहाँ पे आप सीट भी ले गए थे, और आतिफ असलम साहब, आप दोबारा एक बार महरूम हुए हैं लाइफ जैकेट से भी, वहाँ पे आप सीट भी खो बैठे हुए हैं। ठीक है जी, अरूबा बता दीजिए फिर, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, फ़ोन में कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत किल करने के लिए आप किसको करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और इफ्तिखार ठाकुर। इफ्तिखार ठाकुर। कोई खास वजह? कि वो सामने बैठे हैं। अच्छा, कैसर पिया मुझे पता कौन है। ठीक है, इफ्तिखार ठाकुर आपका फैसला है आखिरी, क्योंकि वो सामने बैठे हुए हैं, कैसर पिया साहब नाम मौजूद होने की वजह से रह गए। ठीक है, रुबत, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई है, तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगी और एक को कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अमानत अली, वासे चौधरी और ओन अली खान। ओके, मैं ले लूंगी, मेरे से सेल्फी ले ली थी, और इनको स्माइल देनी है, स्माइल, और वो तीसरे जो है उनको मैं कहूंगी कि आपका, तीसरे जो है उनको आप कहेंगी कि आपका फ्लोर आ गया है। कोई खास वजह इस चॉइस की? क्योंकि मैं उनको नहीं जानती।
ठीक है, टाइटैनिक पर जाने का वक्त है, दो वीआईपी पास आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फियाज़ुल हसन चौहान, अकरम उदास और ऑन अली खान। ऑप्शंस कैसे दे रहे हैं आप, मतलब कि आप बताएं कैसी ऑप्शंस आपको चाहिए? कुछ लाइक जानने वाले लोग। जानने वाले? डू यू हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? यस। ठीक है, तो ऑप्शंस के तौर पे एक आपके भाई, एक आपकी बहन और एक और आप अपनी मर्जी से कजन डालने कजन डालने आज। इनको मैंने टाइटैनिक पे साथ लेके जाना है। एक बंदे को लेके जा सकती हैं? आपने कहा जानने वाले ऑप्शन, तो मैं इससे ज्यादा नहीं जानने वाले दे सकती। नहीं 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 नहीं, इतने जानने वाले नहीं। अच्छा थोड़े पीछे ऑप्शंस पीछे हटाता हूं मैं थोड़े से। उस्मान बुज़दार, मुराद अली शाह और कायम अली शाह साहब। जी इनके लिए इतने आसान थे सब, मोमिना और लाइक एमन वगैरह और लाइक आसान थे, मगर वो सिंगर थे ना, इसलिए मैंने उनको उस टाइप के दिए। तो ऑप्शंस चेंज कर दो। ऑप्शंस चेंज कर दूं? इसके भी चेंज कर दूं? उस्मान बुज़दार, कायम अली शाह को भी चेंज कर दूं? हैं कौन, लाइक ये क्या करते हैं? चलें छोड़ दीजिए, और ऑप्शन चेंज करने लगा मैं फिर से एक बार जिंदगी में अपनी। ठीक है जी, जहांगीर खान, सना मीर और शहबाज जूनियर साहब। उनको भी नहीं जानते क्या हुआ? शहबाज, हिस्ट्री में से नाम निकाले आपने, जहांगीर खान, पता नहीं कौन कौन। तो मैं, आप बताएं मुझे मैं कैसे नाम लूं आपको? मैंने भाई बहन वाली ऑप्शन भी दी। कौन से आप मुझे बताएं किस वॉक ऑफ लाइफ से निकालूं मैं? सिंगर्स निकालूं मैं? ठीक है, हसन जहांगीर, सलीम जावेद और नबील शौकत, इनमें से भी कोई नहीं जानती। वॉक ऑफ लाइफ मुझे बताएं कौन सी होनी चाहिए? मैंने आपको सिंगर्स दे चुका हूँ, आपको मैं वैसे मशहूर पर्सनालिटीज भी दे चुका हुआ हूँ, मैंने आपको वो आपकी अपनी फैमिली वाली ऑप्शन भी दी, शुरू में तो मुझे याद भी नहीं मैंने क्या दिया था, तो बताएं और क्या, किधर जाऊं मैं? एक्ट्रेस के नाम बोले। एक्ट्रेसेस के नाम बोलूं? चलिए ठीक है, तीन ऑप्शंस एक्ट्रेस के नाम में देने लगा हूं मैं, सवेरा नदीम साहिबा, इरशा गजल साहिबा और सबा हमीद साहिबा। इनमें से भी कोई या नहीं? तीनों का नाम कौन सा था? इरशा गजल, सबा हमीद। गजल को ले जाऊंगी मैं। इरशा गजल कौन है? एक्ट्रेस है ना। कौन सी एक्ट्रेस होंगी? लाइक कोई तो होंगी, कोई तो। अच्छा ठीक है, ये बताइए, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं आप, 13-14 घंटे की फ्लाइट, ऑप्शंस ये ना हो। आसान नाम वाले है ना? ठीक है, लें जी फिर, सात वाली सीट खाली, कुछ लोग आ गए हैं कि अगर रूबा इजाज़त दें तो हम साथ बैठ के इनके चले जाएंगे 13-14 घंटे के लिए। आपने बताना है कि वो कौन होंगे। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नबील कुरैशी, वो है नदीम बेग, ठीक है, और आसिम रजा। तो बताएं ये नाम सही है या कोई इससे भी जदीद नाम कुछ ढूंढूं मैं? आसिम कौन है? आसिम रजा, बस इतना ही नाम। आसिम रजा, उनको साथ बढ़ा लूंगी। कोई खास वजह? अब जाने या कोई भी बैठे क्या फर्क पड़ता है? नबील कुरैशी और नदीम बेग का आपको अंदाजा है? जिन्होंने तो बार मास्क नहीं सी देता। डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं, वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगी? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बाबर आजम और जनाब आरिफ अलवी। दूसरे जनाब कौन है? आरिफ अलवी। अच्छा, इनके साथ क्या मसला है पहले बता दें, मैं चेंज वरना कर दूं। मैं इनको नहीं जानती। बाबर आजम साहब को और आरिफ अलवी साहब को भी नहीं जानती। जो आरिफ अलवी नाम है ये मुझे सुना सुना लग रहा है, लेकिन मैंने कहाँ सुना हुआ लग रहा है, ये भी नहीं याद, लेकिन लाइक बाबर आजम का भी नहीं याद। वो क्या ऑप्शन है? आरिफ अलवी। आरिफ अलवी को लाइफ जैकेट दे देंगे, लेकिन आपको याद नहीं आरिफ अलवी साहब का नाम कहाँ सुना था? पॉलिटिशियन होंगे। पॉलिटिशियन होंगे, ठीक है। आरिफ अली साहब प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हैं। राइट नाउ, लाइक अभी अरसे से हैं ऐसा हमने सुना है, और वो साबित भी करते हैं। मगर अमानत साहब थैंक यू सो मच, आपका शो पर तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका विरूबा बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर सर।